1 सितंबर बृहस्पतिवार बारडा अलका विधायक श्रीमती नैना चौटाला के द्वारा बारडा अलका के कई ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा, जिसके अंदर शामिल हैं ढाणी फोगा, टिकाण कला, पातवास महराणा, खेड़ी सनवाल, गोठड़ा संतोपुरा, मोड़ी रामनगर। विधायक नैना चौटाला के द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये दौरे एक लंबे समय से कोरोना काल व किसान आंदोलन के चलते लोगों से न मिल पाने के कारण अब ये दौरे किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने व समस्याओं को सुनकर पूरा करने के लिए हम ये दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की माताजी व बारडा हल्के की विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस खुशी के अंदर ये गांव के दौरे किए जा रहे हैं? खुशी तो विधायक बना के भेजे, दौरे तो करने ही पड़ेंगे। लोगों की मांगे हैं और एक लंबे समय से हम लोगों के बीच में नहीं आ रहे थे, कोरोना करके भी, फिर किसान आंदोलन करके भी, और अब मेरी ड्यूटी से इन्होंने तो अपनी पूरी कर दी, विधायक बना के भेज दिया। अब मेरा काम है बार बार आना पड़ेगा, इनकी समस्याओं से रूबरू होके और इनका समाधान करना। मैम, बार डाल के अंदर आपके द्वारा गांव-गांव में टैंकर, पानी के टैंकर और स्पोर्ट्स किट बांटी गई, लेकिन न तो अभी तक इस गाँव को किसी प्रकार की कोई स्पोर्ट्स किट मिली है, न ही पानी का टैंकर मिला है। कौन सी स्पोर्ट्स किट नहीं मिली, मैंने खुद ने बांटी है। हमने क्रिकेट किट दी है, बाकी ऐसी कोई स्पोर्ट्स किट हमने नहीं दी। क्रिकेट किट कम से कम 20 टीमों को हमने दी है, और टैंकर्स जो हैं जिन गांव में देने थे उन गांव में मैंने दे दिए। 20 टैंकर मैंने और बनवाए हैं, वो अगले महीने हम उन 20 गांवों में देंगे जहां बहुत ज्यादा। देखो, पंचायत ने मुझे लिख के नहीं दिया, गोठड़ा ने, और फिर आप मुझे मत कहना कि मुझे टैंकर नहीं दिया। हाँ, हाल ही में हमें श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा ये सुनने को मिला है कि अगर कोई पार्टी को छोड़कर चला गया है भूला भटका, अगर वो फिर से पार्टी के अंदर शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो क्या भाजपा और इनेलो गठबंधन कर सकते? मेरे भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलूँगी। थैंक यू।